आज मैंने आंख बंद करके चलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें बना ये AI ड्रिवन आधुनिक गॉगल जिसे गुजरात के इन दो युवाओं ने तैयार किया है। गॉगल में लगा कैमरा और इसका इनबिल्ट ऐप मुझे आसपास क्या है ये बता रही थी, ताकि मैं उससे टकरा न जाऊं। दृष्टिहीन लोगों के लिए बन सकता है वरदान मेक इन इंडिया स्मार्ट ऑन, क्योंकि इसकी मदद से न सिर्फ दृष्टिहीन चल सकते हैं बल्कि सामने लिखा क्या है ये भी पढ़ सकते हैं। बाजार में मिलने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स 40,000 से शुरू होते हैं, लेकिन स्मार्ट ऑन मिलेगा केवल 7,000 से 10,000 के रेंज में। चलिए आपको इसकी टीम की कहानी और इसका डेमो दिखाते हैं। रिफ्रेश मैट्रेस, इंडियाज नंबर वन कस्टमर सेटिस्फेक्शन ब्रांड विद 99.5% सेटिस्फाइड कस्टमर्स। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम IIT मंडी में हैं और देखिए मैंने एक डिवाइस पहन रखी है और बहुत ही गजब की डिवाइस है। मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद से इसके फाउंडर आए हैं इस चीज़ को बनाने वाले, दीप और सुकेत, उनसे हम आपको मिलवाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं इसका डेमो आपको दे दूं, ये जो दृष्टिहीन नागरिक हैं उनके लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक डिवाइस है, जिससे उन्हें ये मालूम चल सकेगा कि उनके आसपास का माहौल कैसा है, क्या चीज़ है, और यहाँ तक कि करेंसी रीड कर सकता है, आगे कोई टेक्स्ट लिखा है उस चीज़ को रीड किया जा सकता है। तो इसका मैं आपको डेमो देने वाला हूँ अभी। देखो, जैसा अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेफ्ट, बस सेंटर, मोबाइल फोन सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेफ्ट, पर्सन लेफ्ट, पर्सन लेफ्ट, क्योंकि मेरे लेफ्ट में देखो कैमरा पर्सन है तो उसको बताया इसने, पर्सन राइट, यहाँ पे दो, देखो इधर दिखाइए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेंटर, डस्टबिन राइट, पर्सन राइट, और डस्टबिन भी बता दिया इन्होंने। और इस तरफ अगर मैं जाता हूँ, देखो ये मोबाइल फोन लेफ्ट, मतलब मैं मोबाइल फोन में देखो लेफ्ट में पकड़ा, तो ये भी बता दिया इन्होंने। और यहाँ पे एक पोल है, इसकी तरफ चलते हैं हम, प्लांट राइट बोला इन्होंने, देखो तो प्लांट वहाँ पे, स्ट्रीट लाइट भी इन्होंने बता दिया, देखो स्ट्रीट लाइट लेफ्ट, और ये सामने कैमरा पर्सन सेंटर में, तो बाकी ये देखिए हमारे साथ फाउंडर हैं सुकेत एंड दीप, और इनसे बाकी चीज़ें अब हम इसके बारे में जानेंगे। सर, इसको आप थोड़ा सा देर के लिए विराम दीजिए। तो जेम्स वॉन टाइप का वो है जो मैंने उसमें मिशन इम्पॉसिबल 2 में देखा था ना, वो ऐसे फेंकता है ऐसे करके और जल जाता है, उसमें ऐसा ही मैसेज आता है, ऐसा ही होता है ना कुछ, तो वैसा याद आ गया मेरे को। तो दीप एंड सुकेत, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस विशेष रिपोर्ट में आपका। पहले तो ये बताइए, थोड़ा सा हम पीछे आ जाते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह चलेंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये बताइए अपने बारे में कि आप लोग क्या करते हैं और क्या कोई कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट की है। जी, मेरा नाम सुकेत है और हमारा स्टार्टअप है अहमदाबाद में। हमारा कंपनी का नाम है सनबॉट्स और हमारा प्रोडक्ट का नाम है स्मार्ट ऑन। तो ये एक बेसिकली स्मार्ट ग्लासेस टाइप है, जिसमें एक डिवाइस है जिसमें कैमरा है, और ये डिवाइस किसी भी चश्मे में लग सकता है। अब अंधे लोगों के पास स्पेसिफिक चश्मा होता नहीं है, तो हम एक डिवाइस चश्मे के साथ देते हैं। लेकिन okay, मेरे को लगा कि ये चश्मा भी आप साथ में दे रहे हैं, मतलब मेन क्रक्स इज दिस डिवाइस स्मार्ट ऑन। यस, मेन इज दिस डिवाइस स्मार्ट ऑन, और ये किसी भी चश्मे में लग जाता है। okay. जो विजुअल इम्पेयर्ड है उनके खुद के चश्मे होते हैं, उनके चश्मे में भी ये लग जाएगा। और इसके आगे और मैं देखा हूँ तो कैमरा लगा हुआ है, और यही है, और ये अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। okay. इसमें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जो हर सेकंड फ़ोटो खींचता है और विजुअल को ऑडियो में कन्वर्ट करके ब्लाइंड को अलग अलग लैंग्वेज में बता देता है। मैंने आपका वीडियो भी अंदर, आप डेमो दिखा रहे थे, तो वो वीडियो भी हमने देखा था कि उसमें वो दुकान पे जाते हैं और वो एक करेंसी नोट, तो उसको भी रीड करके वो बता देता है। तो कहाँ से ये आइडिया आया आप बताइए दीप जी। हाँ, आइडिया सुकेत भाई से आया हुआ था। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी वाइफ का एक माइनर ब्लैकआउट हो गया, तो उन्होंने बोला कि सुकेत मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो सुकेत भाई ना थोड़े मज़ा किया स्वभाव के, तो उन्होंने बोल दिया कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए स्मार्ट ग्लासेस बना दूंगा जो देख सके, ठीक है, जिससे तुम देखने लगोगे। तो वो तो सिर्फ माइनर एक्सीडेंट था, ठीक है, चक्कर वक्कर आ गया होगा। हाँ, ऐसा है। तो फिर सुकेत भाई को ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। फिर हमने डिस्कशन किया तो पॉसिबल लगा हमने, फिर हमने स्टार्ट किया वर्क इस पर, और तब से हम करीब 1.5 साल हो गया आपसे इस इंसिडेंट को, और हम इस पर वर्क कर रहे हैं। आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा एजुकेशन कहाँ से हो और एक दूसरे को कब से जानते हैं। जी, तो मेरा मास्टर्स और बैचलर्स मैकेट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ UK से किया है, और हम एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते हैं, और हम साथ में काम करते हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं,
और तब से हमारा ट्यूनिंग अच्छा है तो हम लगे। आपने भी इंजीनियरिंग किया? हाँ, मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, बीटेक, और एमई किया है एआई में। एआई में आजकल तो एआई का ही ज़माना है ना, चैट बोट एंड चैट जीपीटी और क्या क्या आ रहा है। इसको जब आप इसका डेमो दे रहे थे ना, तो मुझे वो क्या बोलते हैं, एप्पल ने जो अभी नया एक ग्लास वीआर ग्लासेस जो इंट्रोड्यूस किया ना, उसका भी थोड़ा थोड़ा मेरे को वो चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि वो भी कितना चेंज करने वाला है दुनिया को। सही, अगर मास लेवल पे अगर उसका यूज़ होने लगता है तो। इसके बारे में थोड़ा और बताइए कि इसको डेवलपमेंट में कितना समय आपको लगा और इसके क्या भविष्य देख रहे हैं आप? तो ये हमारा सबसे पहला वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट है, ये हम पिछले 1.5 साल से बना रहे हैं। इसका हमने काफ़ी एक्सटेंसिव टेस्टिंग करवाया है ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड से, और अभी हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है और करीब 100 ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड हमारा चश्मे भी यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। और इसको बनाने में बहुत दिक्कतें हुई थी क्योंकि साइज़ का इशू था, कंफर्ट का इशू था, फिर इन्फॉर्मेशन भी सही होनी चाहिए, तो रिलायबिलिटी बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत स्ट्रगल थी, बट अब हम अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा एक दूसरा भी वर्जन हम बनाएंगे जो वायरलेस होगा, कंफर्टेबल होगा, इजी टू यूज़ होगा और थोड़ा महंगा होगा। ये हमारा सबसे बेस मॉडल है जो मैं प्राइस पूछने वाला था। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट वर्जन है जो 10,000 में हम अभी मार्केट में बेच रहे हैं, और दूसरा वर्जन हम जल्दी लॉन्च होगा करीब नेक्स्ट ईयर, जो इंडिया और ग्लोबल मार्केट के लिए हम लॉन्च करने वाले हैं। वाओ, कहीं से फंडिंग वगैरह के लिए आपने इसके लिए प्रयत्न किया है? हाँ, अभी हम इंक्यूबेटेड है IIT मंडी और IHUB के अंदर, और हमें ग्रांट भी अप्रूव हो चुके हैं। ओके, यस। तो उस ग्रांट से आप अगला जो रिसर्च है वो वर्क पूरा करेंगे? यस। मैं थोड़ा थोड़ा ना वो शार्क टैंक के उनकी तरह साउंड करने लगा हूँ खुद को, मेरे को ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से मैं इनके इस स्टार्टअप का पूछ रहा हूँ। आपने एक स्टोरी बताना चाहूँगा। अभी कल ही हम चंडीगढ़ गए थे, तो वहाँ हम एक वर्किंग प्रोफेशन से मिले, तो उन्होंने डेमो लिया और उन्होंने बताया, सर जी आपने मेरा ना एक काम बहुत ही आसान कर दिया कि मेरे को कोई लेटर भेजता था ना, तो मैं किसी और को दिखाने जाता था और वो पढ़ता था बंदा, ठीक है, तो प्राइवेसी का भी इश्यू रहता था और मेरा एक डिपेंडेंसी रहता था किसी पे भी, ठीक है, तो वह आपने दूर कर दिया। तो स्मार्टफोन का बेस पर्पस है कि अ स्टेप टूवर्ड्स एन इंडिपेंडेंस। ओके, तो इसमें आप अभी अगर जैसे एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में कि विजुअल इम्पार्ट जो लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है उन्हें पढ़ने में बहुत समस्या आती है, जैसे स्कूलिंग वगैरह में, तो क्या वो सिस्टम है इसमें कि वो किताबों में क्या लिखा हुआ आ रहा है वो पढ़ सके? यस, इसके अंदर रीड मोड है, तो आप कोई भी बुक या एनी प्रिंटेड मटेरियल आप कैमरे के सामने रख सकते हो और वो 5 सेकेंड का आपको टाइम देगा पूरा अलाइनमेंट करने के लिए। वो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो अलाइन होने के बाद वो पूरा रीड करके आपको सुनाएगा, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे इसको इम्प्रूव करते रहेंगे तो हो सकता है कि जैसे नॉर्मल इंसान किताब खोलता है तो उतना सेकंड ना लगे उसको सब करने में, वो एकदम नॉर्मली वो चले, भविष्य में हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे जैसे R&D की होती रहेगी। मैं आपको बताऊं दर्शकों, अभी 3 दिन पहले ही हमने विनीता ने इंटरव्यू किया था जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है मंडी से, प्रतिभा जी, और विजुअल इम्पार्ड हैं वो, उनको एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता है और इस आंख से भी 75% तो वो उन्होंने बताया कि उन्होंने नॉर्मल स्कूल में स्कूलिंग की है और वो ऐसे पढ़ती थी इतना पास करके। तो इस प्रकार के अगर डिवाइसेस आएंगे मार्केट में तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का जीवन जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है, और आप दोनों बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए भी और विजुअली इम्पार्ड लोगों के लिए भी, और एक जो हमारे देश में एक स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ है आत्मनिर्भर भारत का, आप तो अहमदाबाद से, मोदी जी के क्षेत्र से, तो वो आप आगे ले जा रहे हैं इस प्रकार से, उसके लिए आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और हम चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आग लगा दे। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, शार्क टैंक इंडिया में किया आपने कोशिश? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, करेंगे, करें, ट्राई कर सकते हैं, करेंगे। नमिता का मिल सकता है आपको ऑफर फार्मा का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप जी और हमसे बात करने के लिए, है ना। थैंक यू सो मच सुकेत एंड दीप। एक पॉइंट है, ये पूरा जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन है, ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश में रीड करता है ऑब्जेक्ट तो डिटेक्ट करके बताता है, करेंसी डिटेक्ट करता है, जो भी बोल रहा है ना, ये ऑफलाइन, इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा, क्योंकि कई जगह पे कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहती है, ये बहुत ही अच्छा फीचर, मतलब हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं दीप और सुकेत इस डिवाइस में। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीप और सुकेत हमसे बात करने के लिए, है ना, एंड बेस्ट विशेज फ्रॉम आर होल टीम।
फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।